जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th, रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 इस वीडियो में हम लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन 2 बच्चों और क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 2 में क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर जैसे रिलेशन सेट दिया है, और 5 में क्या है बेटा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो दे आर सिमिलर, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक ये सिमिलर है, तो इन्हें हम एक साथ आपको समझाएंगे थोड़ी देर बाद। बीच में जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करके रख दिए हैं क्योंकि बहुत इजी है। क्वेश्चन 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इज इक्वल टू ए बी सच दैट b इक्वल्स ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। चेक वेदर द रिलेशन r डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r इक्वल्स ए बी सच दैट b इक्वल्स ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बच्चों शुरू, जहां पर ऐसा आपको समुच्चय दे दिया जाता है सेट, वो क्वेश्चन इजी होता है। अगर बोलते थे ना नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स, तो वो बहुत वाइड एस्पेक्ट हो जाता है ना। अब इन्होंने हमको सेट दे दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन के लिए हमको बता दिया कि बी शुड बी 1 ग्रेटर देन ए, ओके। तो अब सबसे पहले मैंने लिया ए की जगह पर 1, तो बी कितना होगा, देखो ए प्लस 1 होगा ना। अगर ए 1 है तो बी शुड बी 2, है ना। सेकंड डोमेन सेट यही डोमेन है, इसी में से रेंज मिलेगी हमें, तो 2 यहाँ दिया हमने, तो 2 के हिसाब से यहाँ आना चाहिए 3, क्योंकि 2 प्लस 1 बी इक्वल्स 3, 3 के साथ होगा 4 4 5 5 6, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहला टेस्ट है रिफ्लेक्सिविटी का, यानी कि स्वतुल्यता। तो 1 1 करके कोई एलिमेंट है क्या आर में, नहीं है। 2 2 भी नहीं, क्योंकि जो b है वो उससे एक बड़ा होना चाहिए, तो ये तो जो 1 है खुद से एक बड़ा तो हो नहीं सकता, 2 खुद से एक बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों r में नहीं है। तो ये जो 1 1 2 2 नहीं है, पूरे 6 तक के लिए लागू होगा, तो हम उसको ले लेंगे a। हाँ, तो नो ए ए बिलोंग्स टू r, हिंदी वाले लिखेंगे कोई भी ए ए जो क्रमिक युग्म है वो r में नहीं है। ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ये बात सच है कि ए ए करके कोई भी क्रमिक युग्म आर में नहीं आ पाया है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक। इसके बाद बाय मिस्टेक मैंने ट्रांजिटिविटी कर दी थी, तो मैंने कैंसिल करी। अब नंबर आता है किसका, सिमेट्रिक। तो अगर 1 2 आर में है, यानी कि 2 1 से 1 बड़ा है, तो 2 1 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो 1 जो है वो 2 से एक बड़ा तो है नहीं, तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो R is not symmetric because, क्योंकि A B तो है R में, परंतु B A R में नहीं है, इसलिए सभी A B के लिए, इसलिए R सममित नहीं है, ठीक है। बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी पर। ट्रांजिटिविटी तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो 1 2 आर में है क्योंकि 2 1 से एक बड़ा है, 2 3 भी आर में है क्योंकि 3 2 से एक बड़ा है, ठीक। लेकिन 1 3 आर में नहीं है, 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए ना बेटा, यही तो होता है, ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए, तो ए बी है बी सी है लेकिन ए सी आर में नहीं है। तो ये सभी ए बी सी के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये ए बी सी बिलोंग्स टू ए आएगा, ठीक है। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ओके। इसको आप ऐसे भी लीजिए, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर देखिए क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आ गया है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतने में से शायद ना भी दें। आप क्या करो, इसको लिखो बी इक्वल्स ए प्लस 1, सारा ध्यान ट्रांजिटिव रिलेशन पर ही जाता है, पता है, ये हो गया। और अब अगर बी सी भी है आर में, इसका मतलब सी इक्वल्स बी प्लस 1, ठीक। इसके बाद अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, समझो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट में हो जाएगा बी प्लस सी, राइट में क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस 2 हो जाएगा, बी से बी हुआ
कैंसिल, तो सी कितना आ गया, ए प्लस टू आ गया। जबकि अगर ए सी इसमें है तो ए सी को इसमें होने की शर्त क्या है कि सी शुड बी वन ग्रेटर देन ए, इसको ए से वन ज़्यादा होना चाहिए ना कि टू, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल को और अच्छे से समझाकर किया जा सकता है और कर भी देना आप। ठीक, अब बच्चों मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पर। टू और फाइव के लिए बस थोड़ा सा वेट। क्वेश्चन नंबर फोर, ये इजी है इसलिए सिद्ध कीजिए कि आर में आर, अब ये देखो ये जो थोड़ा आर है ना, ये कैपिटल आर थोड़ा सा कह रहे बोल्ड आर बना के दिया है। आप बुक में देखो ये थोड़ा गाढ़े रंग से दिया हुआ है और ये सिंपल, तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स, ये वास्तविक संख्याओं का सेट है। ठीक, इसको थोड़ा डार्क कर दिया, इसको लाइट कर दिया। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। बहुत सिंपल है, पता है बोलते बोलते ही आपको आ गया होगा और सोचोगे अरे इसका क्या देखना है ना। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब मैंने क्या किया, आर को गाढ़ा और इस आर को हल्का लिखने से अच्छा इसको मैंने आर ए ले लिया, कुछ इसकी पहचान बदल दी बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर ए मैंने नाम रख दिया इसका। इसमें कैसे एलिमेंट्स आने चाहिए कि जो पहला एलिमेंट हो वो दूसरे से छोटा हो या बराबर हो, कितना छोटा हो ये नहीं, उसमें क्या था कि वन छोटा हो, बस पहला वाला दूसरे से वन छोटा हो या दूसरा वाला पहले से वन बड़ा हो, यहाँ पर बस छोटा हो या इक्वल भी चलेगा। तो क्या वन वन इसमें आ पाएगा, हाँ आ जाएगा क्योंकि इक्वल वाला शर्त है ना, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, तो इक्वल वाली शर्त तो पूरी हो ही रही है, तो ये ट्रू है। तो ये चीज सभी ए के लिए ट्रू। अब वास्तविक संख्या है बेटा, उसमें तो देखो रूट में भी होती है, वन अपॉन टू के तरीके से भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सब तरह से होती है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, रैशनल इरेशनल, तो यहाँ पर सभी के लिए ये बात ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हर संख्या स्वयं के बराबर तो होती ही है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, संबंध स्वतुल्य है। अब आ जाओ सममित पर। तो सममित यानी सिमेट्रिकल तो है ही नहीं, अगर वन टू है इसमें यानी कि वन टू से छोटा है तो टू वन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ रिलेशन। रिलेशंस रूल क्या है, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, तो ये तो उसको फॉलो कर नहीं रहा, तो टू वन नहीं है, वन टू उसमें है, और ये सभी के लिए सच है। अगर वन थ्री होता है इसमें हाँ तो थ्री वन का सवाल ही नहीं, तो इसलिए कोई भी नंबर ले लो और सिंपल हम नेचुरल नंबर क्या, कोई भी नेगेटिव भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो सब के लिए ये बात सही है कि टू इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू वन, टू वन से कभी छोटा और बराबर नहीं हो सकता, अतः अगर ए बी आर ए में है तो बी ए आर ए में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बच्चों तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो है, देख ही रहा है एकदम से, देखो ना अगर वन टू आर ए में है और टू थ्री आर ए में है तो वन थ्री भी होगा क्योंकि टू वन से बड़ा, थ्री टू से बड़ा, तो थ्री वन से भी बड़ा, बड़ा तो है ही और ज्यादा बड़ा है ना, तो वन ये वाला ये भी। अब इक्वल का हटा दो, लेस देन कर लो, कुछ भी कर लो, ये रूल तो फॉलो हो रहा है ना, रूल में दोनों ऑप्शन है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी, तो छोटा वाला फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ए एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ए, इट मीन्स ए सी विल बी इन आर ए डेफिनेटली, सो आर ए इज ट्रांजिटिव यानी कि आर ए संक्रामक है। तो इनकी बात सत्य साबित हो गई कि ये आर है और टी है बट एस नहीं है। अब बच्चों आते हैं बड़े प्यारे से सवाल क्वेश्चन नंबर टू पर। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ये R कैपिटल डार्क बोल्ड R डेट R है, ठीक है, ये रिलेशन है R, ऐसा है कि ए बी, ए छोटा होना या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर से द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। साफ बता दिया इन्होंने, आंसर ही दे दिया।
show that the relation R in the set R of real numbers defined as R equals AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ठीक, शुरू करें. चलिए, R is the set of real numbers. इसमें मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दिए, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, यानी कि 2/3 वाले होते हैं, पॉजिटिव तो होते ही हैं, इंटीजर्स होते हैं, सब होते हैं, डेसिमल में होते हैं, रूट में होते हैं, सब होते हैं. तो हर एक के लिए हमें सोच कर चलना है. जैसी हमको पहली चीज़ मिल गई जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, हम वहाँ छोड़ देंगे. तो ये रिलेशन है बच्चों, इसको मैंने आर ए कह दिया अपनी सुविधा के लिए. ठीक, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. क्या हम इसको 1/1 के लिए चेक करें? 1/1 स्क्वायर से छोटा है, करेक्ट, ये तो सही है. हाँ, अब हम इसको 2 के लिए चेक करें, तो 2 less than equal to 2 स्क्वायर, ये भी करेक्ट है. ठीक, अब क्या करें? माइनस के लिए चेक करें, -1 -1 तो -will be less than equal to 1, ये भी करेक्ट हो गया. फिर कहाँ जाएं बेटा? हम आते हैं फ्रैक्शन पर. फ्रैक्शन हमारे को बताएगा असलियत क्या है. अगर मैं 1/2 1/2 ले लूँ, क्योंकि मैं ले सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है. अगर ये बोल देते नेचुरल है या इंटीजर है तो हम बोल देते रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इन्होंने बोल दिया रियल, वास्तविक, इसमें तो सब है, है ना, यानी कि परिमेय संख्याएं भी हैं. तो अब मैंने लिया 1/2 1/2, तो क्या 1/2 1/2 होल स्क्वायर से छोटा है? आप बताओ, 1/2 1/4 से छोटा है क्या? नो, 1/4 छोटा है बेटा 1/2 से. ओके, अगर मैं 0.1 ले लूं, तो क्या 0.1 होल स्क्वायर से छोटा होगा? 0.1 less than equal to 0.01, क्या ये छोटा होगा? नहीं. ठीक है ना, तो ये सभी के लिए सत्य नहीं है, कुछ के लिए सत्य है. तो जब एक के लिए भी नहीं है तो बेकार है. आपको कहा जाता है कि फॉर ऑल सब के लिए होना चाहिए. ठीक है, तो अब हमारा शुरू होगा केस. हम यहां लिखेंगे AA does not belong to R for all A belong, यहाँ R A for all A belongs to R. AA R A में नहीं है, सभी A के लिए, कुछ A के लिए है लेकिन सभी A के लिए नहीं है. इसका मतलब R A is not reflexive. और मेरे हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कि R स्वतुल्य, R A स्वतुल्य नहीं है. अब बच्चों आ जाओ सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक तो खेल है, बाएं हाथ का खेल, है ना. तो कुछ भी ले लो, आप ले लो 2-3 ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो 2-3. अब ये तो फॉलो कर रहा है कैसे? 3 स्क्वायर से छोटा है 2, यही रूल है ना. ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, पहले वाले को दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो परफेक्ट है ना. तो 2 less than equal to 9 तो करेक्ट है ये, चलो हो गया. तो क्या ये बात 3-2 के लिए एप्लीकेबल है? 3 और ये 2 स्क्वायर क्यों नहीं है? है यहाँ पर, तो हो गई बाबा, देखो अंदाजे से लिया था, यहाँ तो हो गई. अब और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब जो हमने 2-3 लिया था उसकी जगह हम 2-5 ले लेते हैं. ठीक है, 2-5 में क्या होगा? 2 is less than equal to 5 स्क्वायर, करेक्ट है ये. 5-2 करके देखें तो क्या 5-2 के स्क्वायर से छोटा है? 5-2 के स्क्वायर से छोटा या इक्वल नहीं है. पहले वाले ने गूगली कर दी, निकल आया, है ना, लेकिन 2-5 नहीं निकला. ऐसे और भी तमाम नंबर्स आपको मिलेंगे जो इस चीज को फॉलो करवाएंगे आपसे कि 2-5 अगर इसमें है तो 5-2 नहीं है, कोई और नंबर 2-6 या 3-7 अगर इसमें है तो 7-3 नहीं है, इस तरह से. ठीक है, 7-3 भी आ रहा है वैसे, मैंने मन में करके देखा तो. लेकिन इसमें ये नहीं है कि एक पेयर ने भी अगर फॉलो नहीं किया तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये चीज़ आप जानते हैं, है ना, ये चीज़ आप जानते हैं. आप 1-3 से करके देख लो, 1-3 3-1, है ना, कुछ भी ऐसे बहुत सारे निकल आएंगे. तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. इसके लिए आप क्या लिखोगे बच्चों? इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सॉरी. आप क्या लिखोगे? इफ़
इनकी डेफिनेशन है ना वो लिख दोगे आप, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ए देन बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर ए फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर सम सबके लिए, कुछ के लिए फॉलो कर रहा है सबके लिए नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर ए इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, आर ए सममित नहीं है। अब जो सारा जोर पड़ता है ना वो पड़ता है ट्रांजिटिविटी पर, कम टू द ट्रांजिटिविटी यानी कि संक्रामकता। थोड़ी सी इसको रफ में करते हैं, ठीक है, फिर फेयर में करेंगे। आपका रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है, थोड़ा नजदीक का मामला रखते हैं, थोड़ा सा नजदीक का मामला रखते हैं और ऐसे सोचते हैं जैसे कि थ्री है, ठीक है, थ्री किसके स्क्वायर के बिल्कुल पास में आ रहा है, टू के आ रहा है। देखो आप देखो, टू स्क्वायर से छोटा है थ्री, छोटा या बराबर तो छोटा ही है ना, इसका मतलब थ्री इज लेस देन फोर। थ्री टू लिया, अब टू से छोटा ले लो, अगर मैं वन ले लू तो क्या होगा, अगर मैं वन ले लूं तो वो यही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं 1.5 ले, अभी मैं आपकी उसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगी, टेंशन नहीं करना। पहला मैंने लिया 3, 2 और ये क्या सोच कर लिया कि 2 का स्क्वायर 3 से बस जरा सा बड़ा हो, ठीक, और इसके बाद 2 के पास में ले लिया 1.5, तो अब ये क्या होगा, देखो 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, यानी कि ये दोनों तो ठीक है, मान रहे हैं कंडीशन। अब मैं तीसरा ले रही हूँ, अगर ये मेरा ए बी है, ये अगर बी सी है, तो फिर ए सी क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए 3 1.5, क्या ये फुलफिल कर रहा है, 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर, क्या ये फॉलो कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना। ऐसे कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और ले लेते हैं। चलिए अभी मैंने 3 लिया, मैं 4 ले लूँ, 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 के पास में कौन है, 3 ले लूँ, तो ये आपका हो जाएगा 16 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि 4 लेस देन 9, परफेक्ट, ये तो हो गया। इसके बाद बच्चे मैंने ले लिया 3 2 ले लिया, ओके, तो ये तो फॉलो कर देगा बाबा, गड़बड़ ले लिया, चलो और आगे देखेंगे अभी। तो 3 इसको किया तो ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ओके, अब मेरा आना चाहिए 4 2, तो ये तो फॉलो कर गया, मैंने पहले ही कह दिया, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर, तो कम से कम इक्वल तो आ गया, ये तो फॉलो हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको बहुत सारे चांसेस हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऐसा करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है ना, तो यहाँ 8 ले लो, अभी ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से जस्ट पहले वाला ले लो, ओके, तो ये हो जाएगा 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि 8 लेस देन 9, परफेक्ट। अब 3 के पास आप 2 ले लो, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन 4। तो अब हम अगर ले 8 2, अब हम जीत रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है ना, तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर 8 3 3 2, ओके, 8 3 है 3 2 है लेकिन 8 2 नहीं है, 8 3 and 3 2 आर बिलोंगिंग टू आर ए बट 8 2 डज नॉट, इसने प्रूव कर दिया, यानी कि इसका पैटर्न क्या हुआ बेटा, एग्जाम में आएगा तो या तो क्या हम रट के जाएंगे क्या सम्स को, रटना थोड़ी होता है, समझना होता है, तो इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि एक ऐसा नंबर चूज करो जिसके पास वाले नंबर के स्क्वायर से वो बस थोड़ा सा छोटा, जैसे मैंने 8 3 लिया, आप ऐसा भी ले सकते हो 15 4
एक और ट्रायल ले लें 15 4, देखो अब 15 4 से क्या होगा, 15 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 15 लेस देन 16, परफेक्ट। हाँ अब 4 के पास में ले लो 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 4 लेस देन 9, परफेक्ट। लेकिन 15 3 विल नॉट फॉलो, देखो ना ये हो जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 15 लेस देन 9 ये फॉलो नहीं हो पाया। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ रफ में लिया था, वो क्या था, 3 2 और 2 1.5, ये भी करेक्ट था, है ना, करेक्ट आ गया था कि हमको ये फॉलो नहीं करता हुआ दिखा। तो इस तरह से आप, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए बच्चों, एक ये दे दिए, एक एग्जांपल मेरा फेल हो गया, वो फॉलो करने लग गया, कोई इशू नहीं, ऐसी तो सीखते हम, गलत करके ही सीखते हैं ना कि सही क्या है। इसने फॉलो कर लिया था, नो इशू, इसके बाद ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया और ये भी नहीं कर पाया। तो 3 नहीं लेने हैं, मैं आपको समझा रही हूँ केवल, है ना। आप कोई भी एक केस अपने मन से लेना, एक बेशक पॉजिटिव ले लेना कि हाँ हो गया, दूसरा नहीं हुआ, और फिर डिक्लेयर कर देना कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर ए, BC belongs to RA, it implies AC does not belong to RA, it is not transitive, ठीक है, यह संक्रामक नहीं है, और इनकी बात हमने प्रूव कर दी है। Now come to the question number 3, मैं इसको यहीं पर लेने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इससे मैचिंग है ये, 3 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। Here is question 5. जांच कीजिए कि क्या R में ए बी, ए बी क्यूब है बेटा, ये यहाँ पर तो ठीक लिखा है, यहाँ नहीं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। यहाँ पर ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि ये क्या है। तो चेक वेदर द रिलेशन R इज इन R डिफाइंड बाई R, R that is AB less than equal to A less than equal to B cube is reflexive, symmetric or transitive, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम, पहले R तो आप जानते ही हैं real numbers का set है, और हम अपने relation को बोलते हैं RA, okay, और ये हमारा को दिया हुआ है AB such that A less than equal to B cube, ठीक है। तो ढूंढना ढांढी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको एक 1 1 के लिए ट्राई करते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर, अगर आर ए तो क्या 1 क्यूब से छोटा है, करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं -1 ले लूं, -1 -1 तो क्या ये ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू -1 होल क्यूब, -1 लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का होल क्यूब भी -1, तो ये 2 टेस्ट पास कर चुका है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। अब एक 1/2 वाला लेकर देख ले, 1/2 करके देख ले, तो क्या 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर है, ना ना बिल्कुल भी नहीं, ये छोटा है बल्कि, तो ये टेस्ट पास नहीं कर पाया। लिखने का प्रोसीजर जो अभी पिछले समय बताया था वो आप लिख लेना, ओके। अब आ जाओ बच्चा सिमेट्री पर, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, ठीक। पहला लेते हैं हम 2 3, इफ 2 3 बिलोंग्स टू आर ए देन क्यूब ऑफ 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यस इट इज ट्रू, इट इज 27 एंड 27 इज ग्रेटर देन क्यू, इट इज ट्रू, 2, इट्स ट्रू, है ना। अब अगर मैं इसको 3 2 के लिए चेक करूं, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, बिल्कुल है, यहाँ पे ये बात सही हो रही है कि 3 लेस देन इक्वल टू 8, इट इज ट्रू। अब आप आ जाइए कुछ नेगेटिव नंबर लेकर देखते हैं, ठीक है। हम लेते हैं -2 and -3, क्या होगा ये, -2 विल बी लेस देन इक्वल टू -27, क्या ये ट्रू है, नहीं है, तो हम ये नंबर लेंगे नहीं, हम लेंगे -3 -2, ऐसे लेके देखते हैं। तो -3 लेस देन इक्वल टू -8 है क्या, ये भी नहीं है। जो नंबर्स
कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे, उन्हें तो हम चूज ही नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों हमारे लिए यूजलेस हैं, इन्हें तो हम चूज ही नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं देखना, अब ध्यान से देखना, हम एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, माइनस टू और थ्री, अब बहुत अच्छे से देखना, माइनस टू विल बी लेस देन इक्वल टू थ्री क्यूब, है ना, माइनस टू लेस देन इक्वल टू 27, करेक्ट, ठीक। अब इसका कर्व, ये तो हो गया ना मेंबर, ये एलिमेंट हो गया आरे का। अब दूसरा देखो, थ्री माइनस टू के बारे में चेक करो, तो थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस टू होल क्यूब। अब 3 लेस देन इक्वल टू माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, और 2 का क्यूब होता है 8। क्या ये ट्रू आया? ये ट्रू नहीं आया। यानी कि अगर माइनस टू थ्री आपका आर ए में है, तो 3 माइनस टू ने मना कर दिया आने से, वो आर ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं निकला, क्लियर। देखो ये पॉजिटिव नंबर्स ने पास कर लिया, किस कुछ कुछ ने, सब वो भी नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ ने पास कर लिया। नेगेटिव ने तो एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि वो कंडीशन ही, बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो वो तो एंट्री नहीं मिली है। जिनको एंट्री मिली, वो मिली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाले को, है ना, और वो धाराशाही हो गए, है ना। तो अगर माइनस टू थ्री आ सकता है, लेकिन थ्री माइनस टू नहीं आ पा रहा, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। इसको मैं लिखवा नहीं रही हूँ, मैंने पिछले वाले को बहुत अच्छे से लिखवा दिया। अब आ जाओ बच्चा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए रिलेशन हमारा है ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये रिलेशन चल रहा है, ठीक। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, पहले हम 1, 2, 3 से करें, वो तो होगी होगी, आपको पता ही, ऑब्वियसली होगी 1, 2, 3। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया था, वहीं से शुरू करते हैं, यहाँ जहाँ से हमारा काम सही हुआ था, कि पास 3 के स्क्वायर से जस्ट कम। आपको आई मेरी बात समझ में? 3 के स्क्वायर से जस्ट कम मैंने यहाँ लिया था 8, अब मैं 3 के क्यूब से जस्ट कम लूंगी, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए? यहाँ पर 26 से मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा देखो 26 3। क्या इसको रिलेशन में एंट्री मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमने कोशिश की थी कि हम ले ही ऐसा नंबर जिसको एंट्री मिल जाए। तो अब आप देखो 26 3 के क्यूब से छोटा होता है, तो इसको तो एंट्री आपके सेट में मिल गई। अब 3 से स्टार्ट होने वाला ले लो बगल में 2, इसको करके देखें क्या 3 2 के क्यूब से छोटा है। इक्वल हटा दिया, छोटा ही ले लिया, यस इट इज स्मॉलर देन 8, ये भी करेक्ट है। क्या 26 2 आपकी बात मानेगा? डाउट है। 26 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो आप नंबर्स कैसे ढूंढ रहे हैं, एक पैटर्न आ गया ना आपके माइंड में। अब आपको इन सवालों को रट के नहीं जाना है, इसलिए मैंने ये दोनों सम्स एक साथ करवाए। फर्स्ट वाले में स्क्वायर था, सेकंड में क्यूब। स्क्वायर में क्या हुआ, हमने एक नंबर लिया यहाँ पर जिसके स्क्वायर से जस्ट छोटा यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने एक नंबर लिया जिसके जस्ट क्यूब से, इसके क्यूब से जस्ट छोटा यहाँ पर आया, और हम फुल सक्सेसफुल हो गए। यानी कि 26 3 और 3 2 ये दोनों तो आर ए में आ गए, लेकिन 26 2 आर ए में नहीं आ पाया, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी संक्रामक भी नहीं है। बच्चों आप, मैं दरख्वास्त करती हूँ आपसे, लिंक दे रही हूँ मेरा पिछला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको जो डाउट्स हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और हिंदी इंग्लिश का एक बार देख लो, रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य कहते हैं, सिमेट्रिक को सममित, ट्रांजिटिव को संक्रामक, और इक्विवेलेंस रिलेशन को कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे हम वन शॉट में, पूरा वीडियो बना देंगे, 1.1 पूरा खत्म करवा देंगे उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद।